मुंबई इंडियंस LSG को एलिमिनेटर में हराई और रिकॉर्डों की झड़ी लगाई। आकाश माधवाल के नाम दर्ज हुए कई सारे रिकॉर्ड तथा मुंबई की टीम के तरफ से भी बने कई सारे रिकॉर्ड न टूटने वाले। साथ ही साथ मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर होने लगे आम का ट्रोल यानी नवीन उल हक पर ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये आम की बात कहाँ से आ गई तथा कौन कौन से रिकॉर्ड बने, तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। इससे पहले आपको क्या लगता है, क्वालिफायर दो मुकाबले में मुंबई की पलटन गुजरात टाइटंस को हरा फाइनल का टिकट कटा लेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में हुए एलिमिनेटर मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन जल्दी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव और कैमरून ग्रीन ने पारी संभाली और काफी रन बटोरे तथा अंत में निहाल वडेरा ने टीम को 182 के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद बैटिंग करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत खराब रही, जहां सभी बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए। अकेले मार्कस स्टोनिस ने लखनऊ की तरफ से अच्छी पारी खेली, जिन्होंने 40 रनों की पारी खेली। इसके बावजूद लखनऊ की पूरी टीम 101 रनों पर ही सिमट गई और मुंबई इंडियंस 81 रनों से जीत के साथ क्वालिफायर दो में पहुंच गई। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस मैच में रिकॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को 81 रनों से हराने के बाद अब तक IPL के प्ले ऑफ में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अब तक के IPL प्ले ऑफ में लखनऊ की टीम ने तीसरा सबसे कम स्कोर बनाया और आकाश माधवाल के नाम दर्ज हुआ IPL में किसी भी अनकैप्ड प्लेयर द्वारा सबसे अच्छा बॉलिंग स्पेल डालने का रिकॉर्ड, जिस दौरान उन्होंने 5 रन देकर 5 विकेट हासिल किए तथा वे IPL के प्ले ऑफ में सबसे अच्छी बॉलिंग करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। आपको यह भी बता दें कि MI वर्सेज LSG के बीच खेले गए मैच में अब तक सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जहां 3 रन आउट देखने को मिले और आकाश माधवाल ने सबसे अच्छी बॉलिंग इकोनॉमी के साथ 5 विकेट लेने का गेंदबाज बन गए हैं। तो आइए अब बात करते हैं ट्रोल हुए नवीन उल हक के बारे में। वैसे तो इस मैच में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट झटके, लेकिन LSG के हार के बाद सही फैंस इन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पिछले मैच में RCB गुजरात टाइटंस से हारने के बाद प्ले ऑफ से बाहर हुई थी, उस दौरान नवीन उल हक ने पोस्ट में लिखा था स्वीट मैंगो, जिसके बाद अब फैंस उन्हें मैंगो स्वीट मैंगो ये सब बातें ट्वीट करके ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी तथा आप नवीन उल हक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।